इंदौरी में माझी समाज ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम मंडल अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। माझी समाज ने दी चेतावनी। डिंडौरी में जिले भर के माझी समाज के लोगों अपनी मांगों को लेकर किशोरी में रिज गार्डन में बैठक आयोजित की, जिसमें जिले भर के माझी समाज के पदाधिकारी को द्वारा माझी समाज की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। माझी समाज ने अपनी मांगों को लेकर 40 वर्षों से सामाजिक हक पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा माझी समाज को आदिवासी घोषित नहीं किया, जिसको लेकर माझी समाज ने विशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम भाजपा मंडल को ज्ञापन सौंपते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। जनता पार्टी के कार्यक्रम में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास गए थे। उन्होंने 8 अप्रैल को बोले थे कि मांझी समस्या का जो भी है उसको हम हल करके कल आदेश जारी करते हैं, यानी 9 अप्रैल। लेकिन आज तक 9 अप्रैल हुआ नहीं उनके हिसाब से, और आज तक उन्होंने आदेश जारी किया नहीं। इसके बाद में कार्यक्रम हमारा ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में भी हम लोगों ने माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी से मिले, चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनको भी बताया कि हमने शिवराज जी मामा जी से हमने बात किया है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये आदेश जो क्योंकि क्रमांक 12 से विलोपित करने का राज्य का काम है और 29 में जोड़ने का काम केंद्र का है, ये करके टाल मटोल करके वहाँ से भी हमको हटा दिया गया। बोले हम केंद्र में बात करेंगे, केंद्र मंत्रियों से बात करेंगे, इसके बाद हम आपका समस्या का हल करेंगे। इस तरह से जहाँ भी जाते हैं सभी जगह जाके हमको सिर्फ छलावा ही छलावा मिलता है। आज हमारा समाज पूरा इकट्ठा हुआ था और बिल्कुल सब लोगों ने कटिबद्ध हो गए हैं, एक सूत्र में हो गए हैं। पूरे 7 ब्लॉक के लोग थे आज, और 7 ब्लॉकों ने निर्णय लिया है कि अगर चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले हमारा आदेश जारी नहीं होता तो चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। ये आज